हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो आपने देख ही लिया कल का व्लॉग, तो कितनी सारी शॉपिंग करके लाया। कमल भी खुश, मम्मी भी खुश, बेटू तनु भी खुश, दीदी भी खुश, सब पूरी फैमिली कितनी क्या खुश हो गई थी आपने कल का व्लॉग तो देख ही लिया। दीदी ने पुताई करना भी शुरू कर दिया है, देख सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, पुताई अंदर हो गई है, बाहर कितनी रही। अंदर हो गई है और ये नया ये लग गया। कोई किसने लगा? लगाने वाले आए थे, तो नया मीटर भी लग गया हमारे घर। अभी कैसे हो गए, यहाँ भी कर दी पुताई? थोड़ी ये थोड़ी सी यादन, ये जो पिल्लर है ना इन पे भी कर रहे दीदी। और ये देखो ये कर दिया, ये पक्का वाला कलर है, व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट है, पक्का वाला, पक्का वाला, कभी भी पानी से भी नहीं हटेगा। क्या बात कर रहे, ओरिजिनल आता है इसके, इसको ये पोतेल पर तो चिपक भी जाएगा तो तेरे कपड़ों को नहीं लगेगा। ये अपने घर में भी तो वही लगा रखा है, ये तो लोकल है। क्या बात, बहुत महंगा था वो भी। अरे महंगा है तो क्या करे, ऐसे हाथ लगाते थे तो हाथ गंदे हो जाते। अरे तरी नहीं करी उसपे, इस वजह से इस पे तरी करने की कोई जरूरत नहीं। किसने बोला? ये सीमेंट ही जैसा आता। नहीं, तरी करनी पड़ती है, व्हाइट सीमेंट पे तरी होती है दीदी, ये इस पे नहीं करते हम। अरे करते हैं, सब पे तरी होती है। भैया लाता था नहीं, हम इस पे तरी। अरे नहीं, आपको नहीं पता, सब तरी होती है, तरी करनी पड़ती है, हल्का सा तरी करना पड़ता है। नहीं करती मैं, कैसे करती। तो वैसे आप बताना कमेंट करके कि तरी करना पड़ता है कि नहीं। कमल ने क्या पहन लिया, देर देख अच्छा लग रहा है चश्मा। मुझे ना ऐसे चश्मे, नॉर्मल चश्मे पहनने का बहुत शौक है, क्योंकि ये ना जैसे कि बाहर जाते हैं ना, बाइक चलाते हैं ना, तो आंखों में कचरा नहीं घुसता। कमल को पूछ कि इस सीमेंट पर तरी करने की जरूरत रहती कि नहीं, देख लिया। अच्छा, पर अच्छा लग रहा तेरे वो चश्मा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। बाल कटवाने जाऊंगा, हेयर कट करवा लेना, कुछ बुलवाना पड़ेगा, तेरे बाल ना झड़ते जा रहे। क्यों दीदी? इसके लिए कुछ लाना पड़ेगा। तो वैसे आप लोग कुछ बताना यार कि ऐसा कुछ जिससे कि मतलब जैसे कमल के बाल ना झड़ रहे, इसके लिए कुछ ऑयल वगैरह कुछ हो तो बताना। अभी तो अच्छा नहीं कटा रहा, मत कटा। अरे बाल रहे थे यार, कोई सीधा बाल नहीं उठता। हो ही जाएगा। कमल देखो वहाँ चले गए। ये जो गाड़ी आप लोगों को दिख रही है ना, ये बर्तन वगैरह देते हैं, जैसे किस्तों पे दे देते हैं। मम्मी आ गई और मम्मी भी देखो बर्तन देखने लग गए, बाजार करके आए। तो ये मम्मी जो बाजार करके लाया अभी वही निकाले, देखो मिर्ची वगैरह है इसमें, फिर केले वगैरह सब एक ही में लेके आ जाते हैं ना मम्मी। ये बिट्टू तनु के लिए खाने के लिए, ये जीरा है, इसमें एक सब्जी वगैरह भी लेके आए होंगे, गिलकी वगैरह, गिलकी, प्याज वगैरह भी है इसमें, देखो प्याज भी है, साबुन भी है, सर्फ भी है, शक्कर भी है, सारा का सारा सामान मम्मी एक ही झोले में लेके आते हैं। इनको देखो ये क्या कर, ये पड़ोसी का बच्चा है, पड़ोसी का नहीं, पड़ोसी का, पड़ोसी का बच्चा है और इसका नाम है नीरा। जो भी बाजार से लेके आया ना वो दीदी भी खा रही है। और ये पुताई करिए ना दीदी ने, देखो कैसे हो गई है। अच्छे पोते, अच्छे दिखाई दे। अभी खाने में बिजी हो, खाने में बिजी हो तो देख रहा हूँ। जो बिट्टू तनु का खिलौना है ना वो भी दे दिया, देखो क्या कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले। दीदी ने आज तो देख सकती हो ये वगैरह सब कर दिया ना। मम्मी को देखो व्हाइट सीमेंट ले लिया है, और जहाँ जहाँ भी ये जो ये क्या मक्खी वक्खी घूम रही है, ये इसमें व्हाइट सीमेंट लगा रहे ताकि और कीड़े वगैरह नहीं घुस जाए। तो ये हमारे घर का ना हीटर अचानक ही खराब हो गया, मम्मी ने पानी गर्म करने के लिए लगा रखा था, पता नहीं क्या हो गया, और यहाँ पे जो ऐड करने का कुछ आता है ना ये पिघल गया, और ये भी पूरा निकल रहा है। अब डर भी लग रहा है कि ये खराब हो गया है कि अच्छा है। क्योंकि मैंने बताया ना हम लोगों को मतलब ऐसी चीजें यूज करने का कोई भी नॉलेज नहीं है, अब डरने लग जाते अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है ना, और डरने लग जाते, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे उसके बाद ही इसको यूज करेंगे। अभी तो डर लग रहा है कि कहीं से कुछ हो ना जाए, कुछ करंट वगैरह नहीं लग जाए, मतलब ऐसा। तो कुछ दिन पहले मैं जब हीटर लगा रहा था ना, तब भी आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हीटर लगाने के लिए जो प्लास्टिक की बाल्टी आती है ना उसको यूज करा करो, आप जो स्टील की यूज कर रहे हैं ना उसको यूज मत करना वरना कुछ हो जाएगा। सो आज देख भी लिया मैंने, ये ऐसा कुछ हो गया, स्टील की बाल्टी में ही इसको लगा रखा था।
तो अभी ऐसा कुछ हो गया, अब तो और सावधानी रखना पड़ेगी। और आप लोग प्लीज ऐसे ही सजेशन दिया करो, मतलब समझाया करो कि हमको ऐसा बाहर का कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो भी हमसे अगर ऐसी कुछ गलतियां होते रहे ना, तो आप लोग बताते रहना ताकि हम लोग उसको सुधार सके। ये निकल रहा है, ये कुछ हो गया था ना उसकी वजह से अभी बाहर निकल रहा है, ये मेरा वैसा कुछ दिख रहा है, तो इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस अभी हम लोग ना आज जो ब्लॉग पोस्ट होगा ना उसका थंबनेल वगैरह ले रहे थे, क्योंकि वैसे तो आपने नोटिस करा होगा मैं ज्यादातर ना स्क्रीन शॉट ही लगाता हूँ थंबनेल, बट अभी मैंने सोचा एक थंबनेल ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने फटाफट थंबनेल ले लिया है। जो भी फैमिली के लिए सरप्राइज था ना वो वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, सो उसी का थंबनेल ले रहा था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा वो ब्लॉग तो देख लेना, कल ही अपलोड हुआ था, ठीक है। अरे क्या फोटो खींचना, चूल्हे को लगा देने, खाना माना किसी को नहीं बना के दूंगा। हाँ हाँ, जो न्यू चूल्हा लेके आया है ना वो लगा के देना है। बट एक और बात बताओ, जो चूल्हा न्यू लाया है ना वो हम में से किसी को भी लगाते नहीं आता है, हम लोगों ने कभी ऐसी चीजें यूज नहीं करी है। फिर लेके तो आ गया हूँ मैं, पहले भी किसी और से लगवाया हुआ था, ठीक है। सो अभी थोड़ा डर भी लगता है हमको, जैसे कि कमल को तो अभी भी चालू करते नहीं आता इसको अभी भी गैस चूल्हा रहता ना वो जलाना नहीं आता, डरता है इसको खुद। हाँ, गए तो इसने चाय बना के भी नहीं। हाँ, जैसे अभी हम लोग ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए गए थे ना, अब तो इसने खुद से जलाया भी नहीं चूल्हा और चाय भी नहीं बनाई, ये बहुत डरता है चालू करने से। और जैसे मम्मी भी एक दो साल तक तो मतलब चूल्हे के पास भी नहीं जाती थी, डरती थी। अरे एक बार बहनी तवे में रोटी डाल दी तो फटफट करने को लगा, तो वो उधर लीम की तरह तवे को उठा कर लग गई। ऐसा होता है, एक बार दीदी है ना खाना बना रहे थे, तो उस दिन मैं घर पर नहीं था, थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो दीदी ने गलती से क्या मतलब वो चूल्हा बंद हो गया, तो दीदी डर के मारे घर से बाहर ही निकल गई थी, भागी गई थी। और जो तवा आता ना उसको लेके दीदी बाहर भाग गए थे। बहुत मासूम सी फैमिली है मेरी, इनको ज्यादा कुछ बाहर का नॉलेज नहीं है, और यहाँ तक भी मुझे भी नहीं है, बस अभी हम लोग सीख रहे। जैसे जैसे लाइफ में नई नई चीजें आ रही ना तो हम लोग सीख रहे। आप लोग ना अपना प्यार देते रहना, हमको सपोर्ट करते रहना, और अगर आप में किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फट से कर देना। बाहर एक चूल्हा बनाया हुआ था ना, उसको भी जलाने के लिए लकड़ी होना, वो लकड़ी है ही नहीं, तो अभी बहुत मुश्किल में अभी आ गए, मतलब कैसे क्या खाना बनेगा वो हम ही सोच रहे। फिर भी कुछ भी करके वो चूल्हे को फटाफट जोड़ना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द खाना बन जाए। अभी कोशिश करते हैं, तब तक एक बार चूल्हा गैस चूल्हा लाया था भाई, मम्मी तेरे को याद है ये कभी क्या बोले, भाई मैं तो घर में सोने नहीं आऊं तो वहीं से। हाँ, जब शुरू शुरू में जैसे चूल्हा लेके आए थे ना वो गैस चूल्हा, तब तो कमल क्या बोले कि मैं घर में सोऊंगा भी नहीं डर के मारे, ऐसा बोले। पुराना निकालना है और नया लगाना है। खाना भी कल रात को जैसे तैसे करके बनाया गया, क्योंकि ये वाला ना बहुत कम जलता है और ये तो जलता नहीं। साफ करके भी देख लिया ना मम्मी। हाँ। और वैसे भी मम्मी ना डेली इसकी साफ सफाई करती है, कुछ कचरा होने ही नहीं देती है। ये जो है ना इसको निकालना पड़ेगा, और ये बहुत टाइट बैठा हुआ है। आप लोग हेल्प करना है यार थोड़ी बहुत, इसके लिए थोड़ा सजेशन देना कि कैसे क्या मतलब इसको लगाए। पता नहीं कब क्या हम लगा पाएंगे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये कह रही कटोरी में नहीं, वो कटोरी आती कैसी कटोरी आती है, पता नहीं यार, हमें कहीं पता नहीं। प्लेट को निकाल लो और साफ मत लो, नहीं चाय में गिर जाएगी। अच्छा है ना, बढ़िया है। जो भी है ना इसके पीछे के ये वो लगा रहे अभी, ये दूसरा लगा रहा, एक तो लगा ही दिया, देखो है अच्छा लगा। दीदी कुछ बोलना है, अभी सब निकाल रहे, चेक कर रहे। ये कटोरिया भी है इसके अंदर, देखो मम्मी बोल रहे हैं है? ये पीतल की है, इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, ढीला लगता है। कैसे कहीं ढीला लगे तो बाइक का कैसे तो को अभी तो ये इसी को फिट करने में टाइम लग रहा है। जीजी घर पे ऐसे लगा, जीजी को मोल चुलवाएं। अरे आसो लगा दो, अभी तो इसलिए रो यो आसो, ये लगी बोल आसो लगा, ये आसो देख थोड़ी बहुत ये लगी, बस हो गए। अरे दबाओ का सीधो रखा तू, अरे मत दबाओ तो मम्मी, अरे उसको क्यों दबा रहे हो, देखो जैसे कप चाय बगल जाती थी, अरे बगल देना मम्मी टूट जाएगा, वो क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी। बंदर से खोलने की कोशिश कर रहा पर खुल नहीं रहा है, डर भी लगता है, डर भी लगता है कि बनेगी।
कितने देर से आप लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, ही नहीं रहा कुछ। टंकी बंद कर रखी है लेकिन खुली नहीं रहा, बहुत परेशानी आ रही है इसको खोलने में, बहुत ज्यादा खुली। ये ना मतलब ये तो खुल गया है, ये निकल नहीं रहा, ये थोड़ा सा अभी नहीं निकला। देखो ऐसा नहीं हो सकता, गरम नहीं, नहीं। गरम आएगा हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, आप लोग ही हेल्प करना हमारे। फटाफट इस ब्लॉग का मतलब हम एंड कर लेते हैं, और आप लोग बताना यार कि हम कैसे क्या इसको निकाले और दूसरा वाला चूल्हा ऐड करें, ठीक है? तो बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे क्या लगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो हमसे कर देना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। देखो अभी हमको ये चूल्हा ऐड करने में परेशानी इसलिए आ रही है कि हम लोग बहुत गाँव से है और हम लोगों ने कभी ऐसी चीजें यूज नहीं करी। अभी कुछ टाइम से ही मतलब हम लोग यूज कर रहे थे, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसी वजह से थोड़ी समझ सकते हो, ठीक है? तो आज भी हमारे गांव में कई ऐसे घर है जिनके घर अभी भी मतलब ये चूल्हा यूज नहीं करते, क्योंकि डर भी लगता है और आता भी नहीं यूज करते। हमको तो वो उज्ज्वल योजना में मिल गया था तब, नहीं तो हम भी कहाँ से ले पाते। अभी हमारी मतलब स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, पहले की बात थी जब हम लोग पहले मजदूरी करते थे तब की बात थी, तब थोड़ी कंडीशन वैसी थी तो हम कुछ भी नहीं ले पाते थे। और मेन बात ये थी कि हमको नॉलेज ही नहीं था, यूज करते नहीं आता था तो लेके भी क्या करेंगे। फिर उज्ज्वल योजना से मिल गया, उसी की वजह से हमारे घर पर भी आ गया और हम लोग सीख गए। बट अभी थोड़ी परेशानी आ रही, तो आप लोग हेल्प करना यार, कैसे क्या इसको सही करें, ठीक है?